हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल कैसे बनता है, वो आपको दिखाऊंगी आज। तो देखिए, ये 1250 एम्पियर की एसी भी है, ठीक है। ये मार्केट से अभी नए लाया है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं। जो बेस बना है इसका वुड से, ठीक है, उसको हम लोग अलग कर रहे हैं। तो पहले इसको अलग करेंगे, फिर पैनल में बिठाएंगे, फिर आपको सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। तो आज जो है ये 1250 एम्पियर की जो एसी भी हम लोग लगाएंगे, तो ये है मेन पावर इनकमिंग के, ठीक है। तो दोस्तों, चैनल में जो नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल का आइकॉन दिख रहा है उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि उसको ऑन करने से आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए आपको पूरा पैनल दिखाएंगे, एकदम एसीबी इंस्टॉल लेके पूरा बार बार कंप्लीट टोटल दिखाएंगे। चलिए। तो दोस्तों, ये देखिए, ये 1250 एम्पियर की चेंज ओवर है। नीचे में जो डीजी का इनकमिंग होगा वो एमसीसीबी बैठेगा, और ये है सारे फिटर। और आप देख सकते हैं जो एसीबी था वो बैठ गया है, और जो बाजबार का काम था वो भी थोड़ा कर लिया है हम लोगों ने। तो ये देखिए, ये जो है टिप करने के लिए लाल वाला जो बटन दिखा, और ये सारे जो आपको बटन मिल जाएंगे ये सेटिंग रेंज की, ठीक है। और इसका जो सेटिंग आप क्या क्या होगी देखिए, ये जो है ओवरलोड, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट और ये ग्राउंड फॉल्ट। तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे एसीबी पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, और एक चीज़ आपको दिखाऊंगी, इसको ये जो दिख रहा है आपको, देखिए इन आउट जो ट्रॉली है उसको बाहर अंदर करने के लिए देखिए, ये एक चाबी दिया हुआ है, इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और इस हैंडल से घुमा के ये बाहर आएगा, ठीक है, जैसे लिखा है इन आउट जिस एरो में दिया है, ठीक है। तो इसको आप अंदर बाहर कर सकते हो। तो ये चाबी का रहने का जगह है, यहाँ पे रख दीजिएगा। और ये जो है, ये हमारा जो डीजी है उसका इनपुट के लिए 1250 एम्पियर की है ये, और इसकी ऊपर में जो चेंज ओवर लगा है देखिए वो भी 1250 एम्पियर की है, ठीक है दोस्तों। तो काम अभी बाकी है। तो देखिए, ये जो डीजी का इनपुट यहाँ पे आके लगेगा, ठीक है, तो यहाँ से ये चेंज ओवर तक जाएगी, मेन स्विच ऑन करने से चेंज ओवर तक ये आ जाएगी, ठीक है। और ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से जो बार निकला है ऊपर से गया है, आपको पीछे से मैं दिखाऊंगी। तो देखिए, ये जो एसीबी का इनपुट और आउटपुट, ये सारे हैं आउटपुट, ठीक है, यहाँ से निकाल के सीधा गया है जो चेंज ओवर है उसकी एक पॉइंट पे गया है नीचे का, ठीक है। और ये देख सकते हैं जो रॉ 3 फेज आएगी वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है।
तो जो लोड का बार-बार है वो भी आपको दिखाऊंगी, यहाँ से आपको दिखाऊंगी। देखिए जो चेंजओवर है उसकी ऊपर से जो निकला है वो लोड का बार बार है, वो आके सीधा देखिए यहाँ से एकदम ऊपर से, यहाँ से सीधा जो फीटर है वहाँ पे एक बार बार चेंबर बनाया है, ठीक है, ये देख सकते हैं। देखिए ये हेवी एम्पियर का है इसलिए डबल दिया है, तो आप देख सकते हैं ये बाजवा चेंबर है, ठीक है। यहाँ से दोनों तरफ जो फीटर लगा हुआ है उसकी इनपुट जाएगी और वहाँ से जो फीटर से आउटपुट निकलेगी वो दोनों तरफ निकल जाएगी। तो आपको दिखाऊंगी जो आउटपुट है, देखिए ऐसे यहाँ पे केबिल कनेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए पैनल अभी पूरा कंप्लीट है, सीटी का भी कनेक्शन हो गया है, ठीक है। तो आपको पूरा पैनल कंप्लीट आप दिखाएंगे, तो देखते रहिए दोस्तों।